नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। राजस्थान के माउंट आबू के शांतिवन में शिव बाबा के कुछ अनुयायियों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि किस तरह से कष्टों व परेशानियों से संघर्ष करते रहे और कैसे कचरों में ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर पूरे विश्व शांति, सौहार्द, प्रेम और अध्यात्म का अलख जलाते हुए लाखों लोगों के दिलों को बदलकर मन प्रवर्तित करने वाले ईश्वरीय शिव बाबा के कैसे अनुयायी बने, जाने इन लोगों की जुबानी। माउंट आबू से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्टिंग। स्थान पर खड़ा है जहाँ ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उस प्रांगण में है, जहाँ पर आज यहाँ पे अध्यात्म की ओर लोग अक्सर हैं और यहाँ पे आने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी आप हमारे सर जो है तमाम अवार्ड जीत पा चुके हैं और ऐसे तमाम इस तमाम उसमें जेल की यात्रा भी कर चुके हैं। तो मैं इसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सर आपका इंडिया में समाचार, आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है सर? बी के भगवान भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में रहता हूँ, 40 वर्षों से रहता हूँ। सर एक चीज ये बताइए कि आपको यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, कैसे आप यहाँ आए? वैसे तो मैं बचपन से 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था, तो 11 साल के बाद हमारे मन में आया कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए। तो 11 साल के बाद स्कूल में गया तो घर वालों ने मना किया, गरीबी थी, तो मैं रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, लेकिन चोरी नहीं किया, गलत रास्ते में नहीं गया। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिल गया और उस किताब में लिखा था कि युग बदल रहा है, दुनिया परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा ही धरती पर आ चुका है। तो मैंने सोचा मुझे भी जगना पड़ेगा, तो मैंने उस किताब के माध्यम से कुछ किताब पत्र भेजा और उसी से मुझे किताबें मिली और उसी से मैंने कोर्स किया और 40 वर्षों से इस विद्यालय में जुड़ा हूँ और यहाँ का किचन में भोजन बनाने का सेवा करता हूँ। सर एक चीज़ आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं यहाँ आने के लिए, किसको प्रेरणा स्रोत आप इसका? मैंने प्रेरणा स्रोत, मुझे तो ये जो ज्ञान रद्दी में किताब मिला, इसमें जो संसार चक्र, कैसे मनुष्य 84 जन्म लेता है, कैसे हम आत्मा है, ये सारा चक्र मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मुझे किताब में किताब को ही मैंने वो ये करके निश्चय बिठा दिया। सर अपने जीवन के विषय में इसको बताइए कि आप यहाँ से जुड़ने का और आप जेल भी गए हैं, उसका उद्देश्य क्या रहा था थोड़ा सा? हाँ, वैसे तो मैं 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद ITI का कोर्स किया, फिर मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मुझे किचन की सेवा मिली। ये सेवा करते हुए भी भारत में लगभग 1100 जेल में जाकर के सेवाएं की हैं। इतना ही नहीं, लगभग 2010 में मेरा 5000 स्कूलों का रिकॉर्ड बना हुआ, 5000 स्कूलों में, क्योंकि आज के स्कूलों में बच्चों को केवल भौतिक शिक्षा सिखाई जा रही, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल का समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को मूल्य शिक्षा देने की जरूरत है, सहन करना, मीठा बोलना, भाईचारा रखना, क्योंकि आज समाज हम कहते समाज बिगड़ रहे। समाज क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान के युवाओं के अंदर मूल्य शिक्षा नहीं दे रहे। अगर इनको सहन करना ये गुण सिखाएंगे, यही समाज अच्छा बनेगा। क्योंकि जैसे टेबल होते हैं, टेबल के 4 पाँव होते हैं, अगर एक ही पाँव हो तो टेबल हिल जाएगा। इसी तरह मानव जीवन के 4 पाँव मजबूत चाहिए, एक IQ इंटेलिजेंट लेवल बौद्धिक क्षमता, दूसरा EQ इमोशनल भावना, तीसरा MQ मॉरल और चौथा SQ कोर्स किया, फिर मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मुझे किचन की सेवा मिली। ये सेवा करते हुए भी भारत में लगभग 1100 जेल में जाकर के सेवाएं की हैं। इतना ही नहीं, लगभग 2010 में मेरा 5000 स्कूलों का रिकॉर्ड बना हुआ, 5000 स्कूलों में, क्योंकि आज के स्कूलों में बच्चों को केवल भौतिक शिक्षा सिखाई जा रही, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल का समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को मूल्य शिक्षा देने की जरूरत है, सहन करना, मीठा बोलना, भाईचारा रखना, क्योंकि आज समाज हम कहते समाज बिगड़ रहे। समाज क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान के युवाओं के अंदर मूल्य शिक्षा नहीं दे रहे। अगर इनको सहन करना ये गुण सिखाएंगे, यही समाज अच्छा बनेगा। क्योंकि जैसे टेबल होते हैं, टेबल के 4 पाँव होते हैं, अगर एक ही पाँव हो तो टेबल हिल जाएगा। इसी तरह मानव जीवन के 4 पाँव मजबूत चाहिए, एक IQ इंटेलिजेंट लेवल बौद्धिक क्षमता, दूसरा EQ इमोशनल भावना, तीसरा MQ मॉरल और चौथा SQ स्पिरिचुअल। लेकिन आज के स्कूलों में केवल IQ डेवलप करते हैं और जिसकी IQ जो होशियार है वो यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो रहे हैं। इसीलिए IQ के साथ EQ डेवलप करना, इमोशनल MQ मॉरल नहीं और साथ में स्पिरिचुअलिटी। सर एक चीज़ आप पूछ रहे हैं कि एस ब्रह्मा कुमारी प्रजापति में, प्रजापिता में आप यहाँ आए हुए हैं, आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ और कैसा लग रहा है, क्या यहाँ दिखा आपको? मैंने तो यहाँ देखा जो शास्त्रों का, ग्रंथों का जो ज्ञान है, प्रैक्टिकल यहाँ जीवन में, सबके जीवन में है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक विद्यालय है और विद्यालय में कोई अंधश्रद्धा ये नहीं होती,
यहाँ प्रैक्टिकल सबका जीवन देवतुल्य सभी के अंदर से बोलना चाहेंगे, क्या क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? मैं तो यही सबको संदेश देना चाहता हूँ, वर्तमान समय ये 21वीं पीढ़ी चल रहा है, ये तनाव की सदी चल रही, तनाव की सदी से बचने के लिए स्वयं को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाने के लिए आध्यात्मिकता के तरफ चलने की जरूरत है। अगर आध्यात्मिकता के नरम नहीं जाएंगे, एक समय का हमें जीना बड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए आध्यात्मिकता से हमें संस्कृति को अपनाना है। यही संदेश जाना नहीं जाएंगे तो जीना बड़ा मुश्किल। सर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपना कुछ क्या कहना चाहते हैं? इस जगह पे आप आए, इसे पावन स्थल पर है, तो यहाँ से आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? यहाँ पर जो आपने समय दिया इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम देवी परिवार नेरकर भाई का पिता खनते, तो मैं 25 साल से जानने से था। मेरे बेटे ने यहाँ, बड़े बेटे ने पंथों के लिए थी, और पंथों के लिए आने के बाद मनुष्य ने मनुष्य की सहायता कैसा रहना चाहिए, आपने आत्मा का परिचय होगा, मेरा परिचय होगा, वो बहुत अच्छा लगा। जब से मैं सेंटर पर सेवा करता हूँ मैं, तो क्या बात है, लोग यहाँ पे गार्जियन जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों के ध्यान देते हैं, और यहाँ पे बच्चे इनको ज्ञान दिया, इस तरह से ज्ञान दिया कि आप यहाँ पे आ गए और यहाँ के होकर रह गए, श्री बाबा के होकर रह गए, ये क्या बात हुई। और हमारे बीच बहुत अच्छी बात है कि आज अयोध्या से चल करके अखिलेश जी आए हुए हैं, जो एक बहुत यहाँ के लोकप्रिय हैं, अयोध्या के लोकप्रिय तो है ही हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी एक प्रतिष्ठा, एक छवि है, और श्री बाबा की बहुत बड़ी आशीर्वाद इनके पास है, एक ये प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अखिलेश जी, आप यहाँ पे लगभग 32 साल से आप अयोध्या में सेवा कर रहे हैं श्री बाबा के साथ, तो अपने कुछ उस अनुभव को शेयर करके बताइए कि उस 32 साल के पहले आपकी क्या पोजिशन थी और आज क्या पोजिशन है आपकी? ओम शांति। मैं 32 साल पहले आर्य समाज परिवार से था, पर मेरा जो निजी गुण है वो प्रैक्टिकल जीवन है, बट नॉट थ्योरी। जब तक जीवन में धारणाएं नहीं होंगी तब तक इस समाज का परिवर्तन नहीं होगा। परमात्मा पिता का कहना है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और ये संसार सुखमय संसार बन जाएगा, और एक ही मात्र ये स्थान है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जहाँ स्वयं परमात्मा पिता का ये अवतरण हुआ है, और यहीं से ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। आज भारत को विश्व का गुरु मान रहे हैं, बड़े बड़े देश जो है भारत को अपना अगुआ मान रहे हैं कि ये ही हमें आगे ले जाने वाला है। सर इस चीज़ से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप संघ में थे, आर समाज में थे जी, और आर समाज से आप यहाँ अपने आप कन्वर्ट किया, इसका क्या रहस्य सर? इसका सीधा सा रहस्य है, यहाँ जो किया जाता है तब कहा जाता है, दुनिया में कहते ज़्यादा हैं करते कम हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ करते कम यहाँ क्या है, स्वयं लोग अपने जीवन से दिखाते हैं कि देखो ब्रह्मा कुमारी क्या है। यहाँ जो आते हैं उनको प्रेम शांति दया सब चीज़ उनको यहाँ स्वतः मिलता है, और ये चीज़ पूरी दुनिया में किसी संस्था में है नहीं, ये हमने अनुभव किया। तो यहाँ प्रेम शांति दुआएं सारी चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ यहाँ मिलती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती है। और हमारे बीच एक जौनपुर से युवा आए हुए हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं, आइए सर यहाँ आइए। सर आप, मुझे जो जानकारी हुई है कि आप जब इससे जुड़े हैं, इस संस्था से, श्री बाबा से, तो आपने एक प्याज खाना छोड़ दिया, लहसुन खाना छोड़ दिया, और सारे बर्तन आपने अलग किए जो हमको सुनने में आया, तो ऐसा आपके दिमाग में कैसे आ गया सर? ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे हम गए, पहुंचे, वहाँ का वातावरण देखा, बहुत सामान्य एकदम शून्य सा, जैसा लगा कि हम कहीं आध्यात्मिक जगह बैठे हुए हैं, बहुत शांति प्रिय जगह है। क्यों सर, पूजा पाठ पहले भी करते रहे होंगे? बहुत तो क्या वहाँ अध्यात्म नहीं दिखाई पड़ा? एकदम नहीं दिखाई पड़ा, ध्यान तो लगता है, दो मिनट पूजा पाठ किए, दस मिनट किए, अपना ध्यान लगाए, मन विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, लेकिन यहाँ आने जाते के बाद लगता है जैसे कहीं हम स्वर्ग में बैठे हैं। क्या बात सर, तो हम यहाँ आते हैं तो ऐसे जैसे लोग भी हैं कि जहाँ पे आने के बाद ईश्वर का महसूस होता है, और हमारे सर भी जो बैठे हुए हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहते हैं सर? अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आप आए हैं, और यहाँ आने का रहस्य क्या है, और कितने सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं? मेरा नाम लौकिक नाम राजेश्वर पंडित हुआ, मैं दिल्ली दूरदर्शन में इंजीनियर हूँ, और मैं 28 जुलाई 2011 से ये बाबा का बच्चा हूँ। ब्रह्मा कुमारी के बारे में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ज्ञान बाबा तो कहते एक सेकंड का है, शिव बाबा को हम लोग प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा कि आत्माएं अनेक
आत्माओं का पिता परमात्मा एक, सभी धर्मों ने कहा गॉड इज वन, वी ऑल आर सोल्स, हम सभी आत्माएं हैं, एंड ऑल सोल्स आर ऑन इट्स ओन जर्नी। संसार में एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है, इसका कारण क्या है? ब्रह्मा कुमारी में आने के अब रोकेंगे, हम कहीं पढ़े हैं कि एक व्यक्ति एक चेहरे के साथ लोग होते हैं दुनिया में, होते तो हैं क्या आप इसको झुठला रहे हैं? ट्विन होते हैं, एक ही माता पिता के दो बच्चे, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों सेम कॉलेज से पढ़ा, दोनों सेम टीचर है, सर, लेकिन दोनों को जो प्रैक्टिकल किया नहीं। मैंने आपसे किया कि आपने कहा कि एक चेहरे के लोग ही होते हैं लेकिन एक चेहरे के सात व्यक्ति होते हैं, सात व्यक्ति होते हैं लेकिन उसमें ज्ञान गुण शक्तियाँ अलग 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 होती है, डिग्री अलग अलग होगा। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पे तमाम ऐसे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, तमाम ऐसे लोग यहाँ पे इस संस्था से जुड़े हुए हैं, श्री बाबा से जुड़े हुए हैं, और हमारे बीच में एक माता जी आई हैं जो बहुत बुजुर्ग माता जी हैं, मैं इनका नाम मैं समझता हूँ कि है, क्या नाम माता जी आपका? मेरा चंपा नाम देवी। चंपा देवी है। कहाँ जाए मैम? मैं वहाँ के बनारस के आगे जौनपुर है ना, बनारस के पहले जौनपुर है। जी जी, मैं बोलूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, कैसे आप यहाँ आई? देखो भगवान ने कहता है कि सब दुनिया में सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को कोई नहीं पहचान पाता, क्या बात है। अच्छा मैं एक बात कहती हूँ, नाराज नहीं हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जब हम जिंदे रहते हैं तो कैसा रहते हैं, जब हम निकल जाते हैं तो कैसा हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तिलक क्यों लगती है? तिलक क्यों बताइए, बताइए आप क्वेश्चन आपका हमने देखो किया, ये पंडित पुजारी नहीं बता सकते हैं। तिलक इसीलिए लगती है कि इसमें हमारी भाग्य भगवान हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, अपने शिव पिता का संतान हूँ, परम धाम के वासी हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, भगवान ज्ञान का सागर है, भगवान प्रेम का सागर है, भगवान आनंद का सागर है, भगवान दया का सागर है, भगवान दुख हर्षा सुख करता है, भगवान जौन हो कि सारी दुनिया का रक्षा करता है, कल्याण करता है, कल्याणकारी है। क्या बात है, अभी माता जी हमारी ने बात किया, क्या नाम बताया आपने? चंपा देवी जी ने, जो जौनपुर से आई हैं, और कितनी अच्छी बात बताई, श्री बाबा की कृपा है इनके ऊपर जो इतनी बड़ा ज्ञान इतना ज्ञान प्राप्त कर रही है। और मैं इस समय हमारे पास मैम आप कहाँ से आई हैं? आप जौनपुर से आप भी आई हैं? क्या नाम आपका? आप कई साल से यहाँ से जुड़ी हैं? आठ साल से। कैसा लग रहा है आपको आठ साल पहले का और हाल में? बहुत परिवर्तन आया है, शांति क्या सुकून मिलता है, स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, कहीं जाए यहाँ भटकते हैं, आत्मा यहाँ पे आपकी जो है बिल्कुल स्थिर हो जाती है, सारे कष्ट सारे संकट सारे जाती है। और अभी हमारे बीच में एक सज्जन और खड़ा है जो मैं इनको ध्यान से जानना चाहता हूँ, बोलना चाहते हैं आप अपना परिचय दें, कहाँ से आप आए सर? भगवान का अनुभव, महाराष्ट्र पुणे से आए। देखिए सर क्या बात है, कमाल मैं ऐसे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से एक एक कोने से लोग यहाँ पे आए हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं तमाम लोग मिला हूँ जो इंडिया के हर देशों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सर आपका नाम क्या है? देवराम नाम है। बोलिए यार परिचय दीजिए सर कि आप यहाँ पे कितने साल से हैं और उसके पहले आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ खाली सेवा के लिए यहाँ आते हैं जी, हर बरस आते हैं। रहते हैं महाराष्ट्र में ही? रहते हैं महाराष्ट्र में। अच्छा उधर सेंटर है ना, उधर ही जाते हैं। तो क्या नाम बताया सर आपने? देवराम भाई। देवराम भाई, तो देवराम जी आप बताइए कि यहाँ आपके सेंटर में और यहाँ के कितना अंतर है? यहाँ बहुत शांति मिलती है, साक्षात शिव बाबा यहाँ रहते हैं, क्या बात सर। यहाँ शांति मिलती है, आप यहाँ शांति की खोज में आते हैं और शांति मिलती है, क्या बात है। अब हमारे बीच में ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहता था, और सर आप भी कुछ बोलना चाहते थे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ जिन पे श्री बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, और श्री बाबा के नाम पर यहाँ पे लोग शांति की खोज आते हैं, करने आते हैं, जहाँ पे शांति पाना चाहते हैं, और यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे तमाम भाई लोग हैं और सब जो है यहाँ पे अपनी उन नौकरियों से जब रिटायर हुए तो यहाँ श्री बाबा के शरण में आए हैं। ऐसे लोगों से मैं प्रणाम करता हूँ कि श्री बाबा का कृपा उन पर बनी रहे। धन्यवाद नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र सिंह के साथ।